वाह जी वाह, वेलकम जी, थैंक यू, ओ माय गॉड, सच अ वार्म, पत्तियां रखी हैं सी ओ पाइनो पान जबान वाली पत्तियां सी ओ वेलकम टू द शो, थैंक यू। शेरा रुको यार, शेरा रुको शेरा, माशाल्लाह ये हमने छोटे पैकेट में सलमान खान रखा है ना दखल में, और ये 7 फिट के जवान थे। अच्छा, आपका इंतजार करते करते इतने को बचे हैं। दुनिया न्यूज की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से इतनी जबरदस्त शानदार अदाकारा यहाँ मौजूद है, तो फिर है लड़की, क्या मेरा ये बनता नहीं है कि मैं यूं करके इसको कहूँ वेलकम वेलकम टू द शो, थैंक यू। चलो मैं ऐसे लगा लेती हूं। सोनिया जी के आने पे इमरान भाई, मैं कलाबाजी लगाना चाहता हूं। ये क्या, तिन्ने अक्सर कोट पांदे हो, तुसी तिन्ने अक्सर कोट पांदे हो, अक्सर कोट पांदे हो, ते आज भी कोट पाया है, आज नवा काम ते वेखो, ओ फुल ने फुल लाया है। देखो अज तुहानू वेखण लई खुरक वाली बांदरी और गज्जा रिछ लिया है। नहीं जी, आपकी नजर, पहले तो वेलकम मुज़ाकरात, थैंक यू, फिर आपकी नजर एक शेर के, वो कौन है जिसने मैं नहीं चखी, मैं वो कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, आए मैं कदे से जो बच निकलता है आपकी आंखों में डूब जाता है। सोनिया जी के आने पे सारी ऑडियंस इतनी खुश हुई है, अगर आप कहें तो मैं यहां कलाबाजी लगा। क्या बात है सोनिया हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मतलब आते ही मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह से मेरी कोई एनर्जी लेवल आसमान पे चला गया। अच्छा सोनिया जी, आपने टेलीविजन में काम किया, फिल्म में किया, मतलब कि दुनिया के हर शोबे में काम किया और उतनी हिट हुई आप, तो आपने कभी सोचा था मजाक रात में मेरे साथ बात करने का चांस मिलेगा? सवाल और तो ये तो हमने सुन रखा था कि हर रूज को जवाल है, लेकिन हर सोनिया को सगावत है ये नहीं सुन। सोनिया जी, जी जी, इतने मुश्किल किरदारों में कैसे दाखिल होती है, क्या फॉर्मूला है एक्टिंग का? बस गाड़ी में बैठ के चली जाती हूँ। ये तो हो गया मजाक जी। मजाक पे सब हंसे भी, हमने ताली भी बजाई, अब जवाब दे। बेसिकली इमरान, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब आप उस एक्टर से बात कर रहे होते हैं जो खुद उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझता है, मतलब आपको भी पता है कि साल में कितने ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली हर चैनल पे जितने ड्रामास चल रहे हैं वो स्क्रिप्ट आपके घर पे आके रखे हुए होते हैं, मगर हार्डली कोई शाज़ो नादिर ही कोई ऐसा कहानी होती है जो दिल को छू जाती है, जो आप पढ़ रहे होते हैं तो आप कभी जारो कतार रोने लग जाते हैं, कभी आप अचानक से हंसने लग जाते हैं, कभी वो रोमांस ऐसा लगता है आपके साथ हो रहा है कहानी के अंदर, तो मुझे लगता अच्छा है कि ऐसा लगता है। जी नहीं, क्योंकि यानी कि जब आप अकेले बैठी रोमांटिक सीन पढ़ रही होती है तो आपको लगता है कि छोड़ो ना मेरा। चले जाओ, कोई आ जाएगा क्या? मैं वैसे एक बात बताऊँ आपको, मुझे वैसे चलो अच्छा हो हम एक्टर हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहब्बत और रोमांस जो शायद कहानियों के लिए रह गए हैं। मोहब्बत की कमी है दुनिया में अब? आई थिंक इजहार की कमी है, इजहार जहाँ होता है ना आपको अच्छा लगता है।